ये सरकार माहौल चैप्टर नंबर 13 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है, और आपके जो लेक्चर के बाद जो कमेंट्स में देखता हूँ माहौल मजा आ जाता है मुझे सर, बूस्ट हो जाता हूँ मैं अपने आपकी एनर्जी को लेके। और सर आ रहा है चैप्टर नंबर 13 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सर दिल थाम के सुनिएगा, ये वो चैप्टर्स है जिनको नॉर्मली एग्जाम टाइम पे बच्चे इग्नोर करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है रिविजन करने का, पर अगर ये रिविजन लेक्चर्स आपने ढंग से देख लिए सुन लिए तो जबरदस्त माहौल हो जाएगा। सर सेक्शन नंबर 37 रिटर्न्स। सर सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 37 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1। सर मंथली फाइल करना पड़ेगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। पर बच्चों 6 कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन को ये GSTR 1 सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और हां हम सेक्शन 39 में पढ़ने वाले मंथली GSTR 3B फाइल करना पड़ता है, जो रिटर्न अंडर GST होता है वो भी इन 6 लोगों को सबमिट नहीं करना होता है। वो 6 लोग कौन कौन से है सर? स्पेशल लोग, सबसे पहला कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन कंपोजिशन स्कीम, उसको GSTR 4 सबमिट करना पड़ता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको GSTR 6 सबमिट करना पड़ता है। TDS काटने के लिए जो पर्सन लाइबल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनको GSTR 7। सर TCS इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में उनके लिए GSTR 8 दे रखा है बेटा। NRTP सर एंड OIDAR सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। ये 6 लोग ऐसे है जिनके लिए स्पेशल रिटर्न दे रखे हैं सर, ध्यान देना। और ऐसे केस में ये 6 लोगों को सर रेस्पेक्ट जिनके रिटर्न दे रखे वो फाइल करना है, इनको GSTR 1 और 3B फाइल नहीं करना है। NRTP केस में GSTR 5 होता है, और OIDAR सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड कर उनके लिए GSTR 5A होता है। ओके सर, GSTR 1 मंथली फाइल करना है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना है। अच्छा सुनो बच्चा, एग्जाम्स के लिए आपको पता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही रिलेवेंट है। ऑल्दो आपको पता है कि जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ से कम था, या 1.5 करोड़ या उससे कम था, या करंट ईयर में 1.5 करोड़ या उससे कम है, उनको ऑप्शन दिया क्वार्टरली फाइल करना है। और सर टेम्प्रेरी सेप्टेम्बर 30 तक, और जिनके एग्जाम्स अभी जुलाई 20 में, उनके लिए लिखा है बुक के अंदर क्या मार्च 20 तक उनके लिए रिटर्न फाइल करना है। ड्यूडेट शिफ्ट किया हुआ बेटा, जैसे 1.5 करोड़ से अबव है तो उनको 11 तारीख करी हुई बेटा, क्लियर। एंड सर अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल क्वार्टरली GSTR 1 सबमिट करना है तो ऐसे केस में क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट डेट होता है वो ड्यूडेट होता है बेटा। पर हाँ एग्जामिनेशन के लिए, मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा, एग्जाम्स के लिए जो रिटर्न्स फाइल करने की ड्यू डेट शिफ्ट होती है वो रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। जो जनरल ड्यू डेट है वही आपको याद रखना है। तो GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, भले ही टर्नओवर कितना भी बच्चा हो, क्लियर। एंड सर मंथली सबमिट करना है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके GSTR 1 में सबमिट किया होता है बेटा पूरी डिटेल ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाई, जो मंथली आपने जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किया, भले वो टैक्सेबल हो एग्जम्प्ट हो जो भी है, वो सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन आएगी। प्लस B2B ट्रांजेक्शन अगर होता है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी, और B2C ट्रांजेक्शन है तो B2B के केस में बिल टू बिल आपको पंच करना पड़ता है, और B2C के केस में कंसोलिडेटेड रेट वाइज स्टेट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन पंच करनी होती है। पर अगर B2C ट्रांजेक्शन है, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफर, B2C अगर ट्रांजेक्शन है आपका, पर अगर कोई पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन 2.5 लाख से एक्सीडिंग है, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख एक्सीड करती है, और वो अगर इंटर स्टेट है, तो वो पर्टिकुलर B2C सप्लाई का बिल वाइज पंचिंग होगा, बाकी सारे B2C का एक साथ कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करना है स्टेट वाइज रेट वाइज, क्लियर। ओके सरकार, इन केस ऑफ GST अगर आपने GSTR 1 सबमिट किया और अगर उसमें कोई एरर हो गया या कोई अमेंडमेंट करना है, तो सर आपको पता है GST के रिटर्न या स्टेटमेंट कभी भी रेक्टिफाई नहीं होते। पर हाँ फ्यूचर पीरियड में, कब बच्चों? फ्यूचर पीरियड में अगर आपको GSTR 1 जो आप सबमिट करेंगे, जब आपको ये मिस्टेक या एरर पता पड़ गई, तो फ्यूचर पीरियड का GSTR 1 सबमिट करते वक्त आप अमेंडमेंट इन प्रायर पीरियड वाला अमेंडमेंट कर सकते हो बच्चों। और सर जैसे मान लो जनवरी मंथ में कोई एरर रह गया या कोई ट्रांजेक्शन पंच करना रह गया, तो नेक्स्ट मंथ फरवरी में या उसके बाद में आप उसको अमेंड कर सकते हो, जब उसका रेस्पेक्टिव मंथ का आप जब GSTR 1 सबमिट करोगे उसमें प्रायर पीरियड अमेंडमेंट कर सकते हो। पर हाँ ये अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन जो कर सकते हो, कब तक कर सकते हो बच्चों? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद, जब सेप्टेम्बर मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे वो रिटर्न, या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर, तक ही आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो अगर GSTR 1 में कोई मिस्टेक हो गई तो बच्चों, क्लियर पक्का। और हाँ ध्यान देना बच्चा, GSTR 1 ये क्या है? रिटर्न नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है। ओके और जो GSTR 1 में आपने सबमिट किया है अगर B2B ट्रांजेक्शन है, तो सर कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्रांजेक्शन जो रेसिपिएंट होगा उसके GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट होकर जाएगा, और अगर रेसिपिएंट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसके GSTR 4A में जाएगा, और अगर रेसिपिएंट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके GSTR 6A में ऑटो पॉपुलेट होकर जाएगा, जहां से वो ITC ले पाता है बेटा। ओके माहौल सरकार, ये था GSTR 1।
ओके सर आ रहा है क्या, ये था सेक्शन 37, 38 था जीएसटी 2 वाला, और जीएसटी 2 अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ और सर अभी वो रिलेवेंट नहीं है, इसलिए वो सिलेबस से आपके कोर्स से हटा दिया। सेक्शन 38, 39 आ रहा रिटर्न्स अंडर जीएसटी, जीएसटी 3B, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मंथली सबमिट करेगा जीएसटी 3B 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, ध्यान रखना बेटा। और सर जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, आपको पता है बात, क्लियर। और सर ध्यान देना बेटा, जब रिटर्न फाइल करेंगे तब माना जाता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ है, और पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया तो रिटर्न फाइल ना हो पाएगा, क्लियर, उसको वैलिड रिटर्न बोलते ही नहीं, और सॉफ्टवेयर आपका रिटर्न अपलोड करने का सिस्टम का ऑप्शन देगा ही नहीं बेटा अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो। ओके सर ये जीएसटी 3B ये 6 लोगों को सबमिट नहीं करना पड़ता है, वही 6 लोग जो स्पेशल जिनके लिए जीएसटी 1 नहीं था बेटा। ओके अब सर बाकी लोगों को क्या सबमिट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी 4 कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने लिया है उनको जीएसटी 4 सबमिट करना है, पर वो एनुअली है, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30th अप्रैल या उससे पहले पहले उनको एनुअल एक रिटर्न जीएसटी 4, पर हाँ एवरी मंथ उनको जो टैक्स पे करने की लाइब्रेरी आएगी वो मंथली नहीं आएगी, वो क्या आएगी क्वार्टरली आएगी, और क्वार्टरली उनको टैक्स पे करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम वालों को, भले वो गुड्स की कंपोजिशन स्कीम है या सर्विसेज की कंपोजिशन स्कीम है, ऐसे केस में उनको क्वार्टरली टैक्स पे करना है जीएसटी सीएमपी 08 नंबर का फॉर्म फिल करके, क्लियर, भले टैक्स की लाइब्रेरी हो या नहीं हो नील भी फाइल करना पड़ेगा बेटा उनको। ओके सर फिर आता है जीएसटी 5 एनआरटीपी को नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी 5 सबमिट करना पड़ेगा, वो भी मंथली 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बेटा, क्लियर, या जब उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड है उसकी लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ या 7th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। अरे क्लियर, पक्का, डन सर। देन क्या है ओआईडीआर सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड करे, ऐसे केस में अगर रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में ओआईडीआर वाले को टैक्स पे करना पड़ता था, उसको इंडिया में आकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपलसरी, उसको 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता और उसको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी 5A मंथली उसको जीएसटी 5 सबमिट करना है, और वो भी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही उसका ड्यू डेट बेटा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी 6 सर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट, क्लियर, उसके लिए 13th होगा, क्लियर, वो जीएसटी 1 जो लोग सबमिट करेंगे उसके 6 एम आएगा और वो 6 सबमिट करके इनपुट सर्विस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आईएसडी। सर देन आता है क्या जीएसटी 7 कौन टीडीएस वाले, क्लियर, टीडीएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह बेटा, और हाँ उनके लिए ध्यान रखना जीएसटी 7A के फॉर्म होता है क्या टीडीएस का चालान, जिनका टीडीएस उन्होंने काटा उनको टीडीएस का टीडीएस सर्टिफिकेट चालान नहीं सर्टिफिकेट, क्लियर। ओके जीएसटी 8 होता है किसके लिए टीसीएस सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस कट करना होता है वो क्या करेंगे टीसीएस का स्टेटमेंट सबमिट करेंगे मंथली इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी 8, क्लियर। जीएसटी 9 होता है किसके लिए बच्चों एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कब तक फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31st दिसंबर या उससे पहले पहले बेटा। अच्छा ध्यान रखना एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट भी कई बार शिफ्ट हुई है, पर ड्यू डेट क्या शिफ्ट हुई उसको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में, मैं जो ये ड्यू डेट बता रहा हूँ अपनी बुक में जो चार्ट दे रखा पूरा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न वही आपको याद रखना है, जनरल डेट याद रखनी है, ड्यू डेट अगर शिफ्ट हुई तो याद करने की जरूरत नहीं एग्जाम्स के लिए बेटा। ओके सर ये आईसीआई से ऑफिशियली कन्फर्म हुआ उसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको बात। ओके सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये एनुअल रिटर्न एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना पड़ेगा, पर सर कुछ लोगों को फाइल नहीं करना पड़ता है, कौन कौन, जैसे साहब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी आईएसडी, और सर जो पर्सन टीडीएस या टीसीएस सबमिट करता है पे करता है तो टीसीएस वालों के लिए एनुअल स्टेटमेंट होता है बेटा, और टीडीएस वालों के लिए एनुअल को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, और ओआईडीआर सर्विस आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड करे उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31st दिसंबर या उससे पहले पहले बेटा। ओके माहौल, और इसका टॉपिक जब आएगा तो और बात कर लेंगे हम। और सरकार देना था क्या कंपोजिशन स्कीम वालों को जीएसटी 9A नंबर का फॉर्म है जो क्या है एनुअल रिटर्न अगेन 31st दिसंबर या उससे पहले पहले आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल उनको सबमिट करना पड़ेगा। ओके सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जो एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है वो है फॉर्म नंबर जीएसटी 9B, और सर उनके लिए ड्यू डेट क्या बेटा 31st दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड सर आ रहा है क्या जीएसटी 9C, ये क्या है सर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़, उसको जीएसटी ऑडिट करना पड़ता है, और साथ में यस सर अरे पावर कट हो गया था बच्चों। ओके वापस बोलता हूँ बेटा मैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़, तो ऐसे केस में उसको जीएसटी ऑडिट करना पड़ेगा और साथ में एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर जीएसटी 9C, और जीएसटी 9C अलोंग विद द एनुअल रिटर्न उनको सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा इसके कुछ एक्सेप्शन है हम बात करेंगे जब रेस्पेक्टिव पॉइंट पढ़ेंगे तब, सेक्शन 44 में दिया हुआ है। ओके सरकार फिर फाइनल रिटर्न अगर कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन क्या करता है कैंसिल करवाता है या उसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे केस में फाइनल रिटर्न जीएसटी 11 सबमिट करना पड़ता है विद इन 3 मंथ। 3 मंथ कब से बेटा, जब से उसने डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर था वो, या डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि कोई ड्यूज वगैरह उसके बाकी नहीं है, क्लियर। यह है जीएसटी 10 बेटा, जीएसटी 10, और यूएन होल्डर जो होते हैं बेटा
यूएन होल्डर यदा बेटा इनवर्स अप्लाई पे जो टैक्स पे क्या उसका रिफंड मिलता है उनको, तो यूएन होल्डर को उस इनवर्स अप्लाई के रिटर्न के लिए जीएसटी आर 11 सबमिट करना पड़ता बेटो। क्लियर डन, ये सारे रिटर्न अंडर जीएसटी का समरी बंद मिलता है आपको। अच्छा दो तीन बातें और करता हूँ मैं स्पेशल जो है स्पेशल रिटर्न के रिगार्डिंग। अच्छा पहली बात तो जीएसटी आर 3B रिटर्न के लाता बेटा अमेंडमेंट कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 2017 से कि जीएसटी आर 3B को ही रिटर्न माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंटायर एक्ट। क्लियर ओके। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो होता है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, और जब तक आपने टैक्स पे नहीं किया तब तक रिटर्न सबमिट नहीं होगा। क्लियर, और रिटर्न सबमिट नहीं किया मतलब टैक्स पे नहीं हुआ ये माना जाएगा बच्चों। और सर अगर एक दिन भी रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए तो सर आपको लेट फाइलिंग फी भी पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्लियर, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपने टैक्स पे नहीं किया। ओके सरकार, फिर आता है स्पेशल रिटर्न के रिगार्डिंग बातें। सर जीएसटी आर 4 कंपोजन स्कीम वालों को सबमिट करना पड़ता है। सर बात मैंने पूरी कर ली आपसे, एनुअल फाइल करना पड़ेगा। अच्छा इसके अंदर ध्यान रखना, गुड्स के कंपोजन स्कीम वाले हो या सर्विसेज के कंपोजन स्कीम वाले हो, दोनों के लिए यही जीएसटी आर 4 है और सीएमपी 08 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो इनको सबमिट करना पड़ेगा क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बच्चों। क्लियर, क्वार्टरली। और सर एनुअल रिटर्न है, एनुअली एक रिटर्न है जीएसटी आर 4 प्लस इनके लिए एक एनुअल रिटर्न और है इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आर 9 है, तो एनुअली दो रिटर्न होगा, एक तो नॉर्मल रिटर्न होंगे जीएसटी आर 4 और एक और एनुअल रिटर्न जीएसटी आर 9 ए के फॉर्म में बच्चों। और क्वार्टरली पेमेंट के लिए जीएसटी सीएमपी 08 का नंबर का स्टेटमेंट बड़ा इसके लिए। अच्छा लेन बेटा, अगर आप मान लो 1 अप्रैल से कंपोजन स्कीम में आ गए तो सर 31 मार्च तक आपको, अगर आप नॉर्मल रेगुलर स्कीम में थे तो तब तक आपको जीएसटी आर 1 और 3B जो रेस्पेक्टिव रिटर्न वो सबमिट करने पड़ेंगे, और 1 अप्रैल से जब कंपोजिशन स्कीम में आ गए तब आपको जीएसटी सीएमपी 08 और जीएसटी आर 4 के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। पर मान लो सर 10 जुलाई को मान लो आपका टर्न ओवर क्रॉस हो गया या आप किसी भी वजह से कंपोजिशन से बाहर हो गए या वॉलंटरली बाहर हो गए, तो ऐसे केस में 10 जुलाई को मान लो दिन में 2 बजे बिल नंबर 420 तक आप कंपोजिशन में थे और 421 बिल नंबर से किस में आ गए, रेगुलर स्कीम में आ गए, तो बिल नंबर 420 तक की जो इंफॉर्मेशन है उस पर उसके लिए आपको जीएसटी आर 4 सबमिट करना पड़ेगा और बिल नंबर 421 से आपके लिए जीएसटी आर 1 और 3B एप्लीकेबल हो जाएंगे, और बिल नंबर 420 तक आपके लिए सीएमपी 08 जो क्वार्टरली वाला प्रोविजन था वो, और सर जीएसटी आर 4 जो एनुअल है बेटा वही सबमिट करना पड़ेगा बेटा। क्लियर डन, माहौल एंड वाइस वर्सा ऑल्सो बेटा, माहौल सरकार इन केस ऑफ जीएसटी। सर ध्यान देना बेटा, अगर कंपोजिशन स्कीम अगर आपने लिए तो अगर इनवर्ट सप्लाई ऐसा आपने लिया है, इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, तो आपके जीएसटी आर 4A में उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। क्लियर, और सर उसको एक्सेप्ट करोगे तो जीएसटी आर 4 में जाएगी। क्लियर, समझा मेरी बात। और हाँ, इनवर्ट सप्लाई का इन्फॉर्मेशन आपको पूरा देना पड़ता है इनकेस अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया और जीएसटी आर 4 सबमिट कर रहे हो तो बेटा। ओके सरकार, जीएसटी आर 4 जब आप सबमिट करते हो तो वो है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उसमें डायरेक्ट कंसोलिडेटेड डिटेल होगी कि मैंने इतना सेल किया और उस पर रेट ऑफ टैक्स इतना था, मैंने इतना टैक्स पे किया, बात खत्म। अच्छा क्लियर, आपको सेल का बिल वाइज पंचिंग करने की जरूरत नहीं जीएसटी आर 4 में, क्योंकि स्मॉल डीलर्स होते बेटा सारे ये लोग, तभी तो उनके लिए सिंप्लीफाइड रिटर्न दिया है जीएसटी आर 4 और एक सिंपल सा सीएमपी 08 नंबर का फॉर्म फिल करके टैक्स पे करना है। ओके सरकार, फिर बात आती है क्या सर, एनआरटीपी रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इनको मंथली रिटर्न फाइल करना है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या जब इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही है। क्लियर, जब एक्सपायरी हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, वहां से 7 दिन विच एवर इज अर्लियर तक इनको जीएसटी आर 5 सबमिट करना पड़ेगा। OIDAR को जीएसटी आर 5A सबमिट करना पड़ेगा, जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दे रहे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस रिलेटेबल सर्विसेज की टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, ऐसे केस में वो टैक्स पे करेंगे फॉरवर्ड चार्ज में और जीएसटी आर 5A सबमिट करेंगे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बच्चा, मंथली फाइल करना पड़ेगा इनको। ओके सर, अब आता थी किसकी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD। सर ध्यान देना बड़ा, ISD जो मेरा ऑफिस है उसको जीएसटी आर 6 सबमिट करना पड़ेगा, उसने जो इनवर्स सप्लाई लिया उसके जीएसटी आर 6A में आएगा, 6A को यूज करेगा, एक्सेप्ट करेगा, 6 में आएगा और 6 से वो क्या करेगा, सबको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मंथली बेस पे, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट मंथली बेस पे बेटा। ओके सर, जीएसटी आर 7 TDS का है, मैं बात कर चुका हूँ आपसे, जीएसटी आर 7A TDS सर्टिफिकेट है बेटा, TDS का सेक्शन पढ़ा था, बात करी हमने। जीएसटी आर 8 जो है वो क्या है सर, TCS का स्टेटमेंट जो ECO को सबमिट करना पड़ता है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है बच्चों इसके लिए ड्यू डेट, और एनुअली इसको जीएसटी आर 9B सबमिट करना पड़ेगा, एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर या उससे पहले पहले बच्चों। क्लियर, किसको, ECO को। ओके क्लियर, माहौल सरकार, इन केस ऑफ UIN होल्डर बेटा। सर तो UIN होल्डर आपको पता है फॉरेन एम्बेसीज, यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट में जो लोग कवर है बेटा। क्लियर सर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें कवर है बच्चों, तो ऐसे केस में इन्होंने क्या किया, इनवर्स सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है, उसके लिए रिफंड के लिए फॉर्म नंबर क्या है, जीएसटी आर 11 नंबर रिटर्न है और उसी के थ्रू उनको रिफंड मिलेगा बच्चों, जीएसटी आर 11। क्लियर, और इसका कोई ड्यू डेट नहीं दिया बेटा उनके लिए। ओके सरकार, अब ध्यान बच्चों, नाउ अब पॉइंट आता है क्या सर, एनुअल रिटर्न।
सुनना बच्चों, अच्छा एक और है फर्स्ट रिटर्न, उसे बताता है क्या फर्स्ट रिटर्न क्या होता है बच्चों। अगर मान लो आप 14 फेब को लायबल टू रजिस्टर थे, कब लायबल थे बेटा, लायबल थे बेटा 14 फेब को लायबल टू रजिस्टर थे, और आपने 4 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 7 मार्च को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो सर 14 फेब से लेकर 7 मार्च तक जब की लायबिलिटी थी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिवाइज फर्स्ट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपका जो फर्स्ट रिटर्न होगा उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे तब के बेटा, क्योंकि आप लायबल टू रजिस्टर तो 14 फेब से थे बेटा। ओके सर, अब आ रही है क्या एनुअल रिटर्न। अब अगर एनुअल रिटर्न की बात करें हम, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 दिसंबर या उससे पहले पहले फाइनेंशियल खत्म होने के बाद। ओके सर, फोन नंबर GSTR 9 है, कंपोजिशन स्कीम के लिए GSTR 9A दे रखा है, क्लियर। और हाँ, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के बोला था क्या, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस होगा उनके लिए कंपलसरी है एनुअल रिटर्न फाइल करना, और बाकी के लिए ऑप्शनल है कंपोजिशन स्कीम आपको फॉलो करना, सॉरी जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा है उनके लिए ऑप्शन दे दिया 17-18 और 18-19 के लिए कि आप चाहे तो एनुअल रिटर्न फाइल करें, आप चाहे तो एनुअल रिटर्न फाइल ना करें। पर हाँ, अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न चला गया तो उसके बाद हम इन लोगों को जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम था उनको एनुअल फाइल करने का ऑप्शन नहीं देंगे, और बाद में अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, उनको टैक्स पेबल आता है, तो दे कैन फाइल GST DRC 03 और उसके थ्रू वो पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स सर सेल्फ असेसमेंट करके बच्चों। ओके सर, अब आता है क्या ऑडिट। सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल एक्सीड्स 2 करोड़ उसको GST ऑडिट करना पड़ेगा, एंड अलोंग विद द एनुअल रिटर्न उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट प्लस एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ GSTR 9C सबमिट करना पड़ेगा। और सुनना बेटा, ये भी एनुअल रिटर्न के साथ में आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये ऑडिट कौन करेगा बेटा, सर प्रैक्टिसिंग CA या कॉस्ट अकाउंटेंट बच्चों। ओके सर, पर पांच कैटेगरी पर कुछ लोगों को मना कर दिया कि साहब आपको GST ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है, सबसे पहली बात फाइनेंशियल 18-19 के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस करेगा उन्हें को GST ऑडिट करना, बाकी के लिए GST ऑडिट का कंपल्शन हटा दिया बेटा, बाकी 2 करोड़ क्रॉस होते ही करना पड़ता है बेटा। ओके पर 18-19 फाइनेंशियल के लिए 5 करोड़, अच्छा ये पॉइंट ऐड हुआ है केवल नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल बेटा, ये वाला पॉइंट जुलाई 20 जिनके एग्जाम है इसमें 5 करोड़ वाला पॉइंट नहीं है। ओके सर, एक और बात बच्चों, अब किन लोगों को ऑडिट नहीं करानी है। फर्स्ट सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी, सर जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करता है, क्लियर, या लोकल अथॉरिटी के अकाउंट्स जब ऑडिट होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो ऐसे केस में उनका ऑलरेडी ऑडिट हो रहा है, उनका GST ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, कोई रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, OIDAR सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, ऐसे केस में सर उनको भी क्या करना पड़ेगा, GST ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा उनको, ना एनुअल रिटर्न फाइल करना, नहीं GST ऑडिट कराना बेटा। प्लस एक और पॉइंट अभी ऐड हुआ है जो नवंबर 20 है उसके बाद वाले आइटम के लिए एप्लीकेबल है, कि फॉरेन कंपनीज विच आर एयरलाइन कंपनी, सर जिन्होंने कंपनीज एक्ट के रजिस्ट्रेशन का कंप्लायंस किया है प्रॉपरली, उनको भी बोल दिया कि आपको GSTR 9C सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस फॉर एवरी GST नंबर आपको सबमिट करना पड़ेगा, विच शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग CA या कॉस्ट अकाउंटेंट। और ये सर रिसीट और पेमेंट का सर्टिफिकेट आपको 30 सितंबर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये पॉइंट नवंबर 20 उसके बाद वाले के लिए एप्लीकेबल है, जुलाई 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉरन कंपनी विच आर एयरलाइंस कंपनी, उनको मना कर दिया कि आपको GST 9C सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर डन, ये पॉइंट खत्म होता है। अब आ रहा है क्या, अगर कोई SEC अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता है तो डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ GSTR 10 सबमिट करना पड़ेगा बेटा। ओके हटाओ सर, अब आता है लेट फी। सर अगर कोई पर्सन रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया तो सर ऐसे केस में उसको 100 रुपये पर डे इज द पेनल्टी आफ्टर द ड्यू डेट, क्लियर, ड्यू डेट के बाद 100 रुपये पर डे इज द पेनल्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000। ओके बच्चों ध्यान रखना, 100 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000 पर स्टेटमेंट या पर रिटर्न है ये पर डे, वो भी CGST का पेनल्टी है, और एग्जाम्स के लिए आपको CGST का पेनल्टी ही लिखना है, SGST का पेनल्टी नहीं लिखना है। पर हाँ सर, सिंस GST कंप्लायंस करना बड़ा टफ हो रहा था लोगों के लिए, इसलिए पेनल्टी को थोड़ा कम कर दिया है और बोल दिया क्या, चिंता ना करें, अगर आपका नील रिटर्न था तो 10 रुपये पर डे 10 रुपये पर डे CGST का सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 5000 इज द पेनल्टी पर डे पर रिटर्न पर स्टेटमेंट। ओके सर, पर अगर नील रिटर्न नहीं था तो ऐसे केस में 25 रुपये पर डे पर रिटर्न पर पर्सन बेटा, हाँ ना, पर ऑब्वियसली सर सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 5000। और हाँ, अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट होते हो तो ऐसे केस में अगेन 100 रुपये पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इज द पेनल्टी का अमाउंट, मैक्सिमम इतना है 0.25% बेटा, क्लियर डन, ये हो गया क्या लेट फाइलिंग फी कितना होता है बच्चों। ओके अब आता है मेरे ख्याल से टॉपिक कौन सा आपका क्या बचा है बच्चों, सर
ओके जीएसटी प्रैक्टिशनर बेटा, जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता बेटा? सर कॉमन पोर्टल पर जाके आप अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जीएसटी प्रैक्टिशनर। अच्छा, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन दे रखी है? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो बेटा। अच्छा सुनना, इंडियन पर्सन होना चाहिए बेटा, क्लियर। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज, शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट बेटा। ओके सर, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना। अच्छा, जीएसटी प्रैक्टिशनर ने अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर किसी पर्सन ने, तो ऐसे केस में अगर वो किसी एसएससी का रिटर्न फाइल करता है तो ध्यान देना बेटा, एसएससी उसको ऑथराइज करेगा और जीएसटी प्रैक्टिशनर अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके एसएससी का रिटर्न सबमिट कर सकता है या जो भी उसने काम के लिए उसको ऑथराइज किया है वो सब काम वो कर सकता है। जैसे जीएसटी R1 सबमिट कर सकता है, रिटर्न सबमिट कर सकता है, जॉब वर्क वाला जो जीएसटी ID 04 नंबर का फॉर्म होता है वो स्टेटमेंट होता है वो फिल कर सकता है बच्चों, क्लियर। ईवी बिल इशू कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है, रजिस्ट्रेशन अमेंड कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है बेटा, कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है, उसे बाहर निकल सकता है, ये सब काम वो कर सकता है अगर उसने ऑथराइज किया है एसएससी ने तो, क्लियर डन। अब सुनना बच्चों ध्यान से, अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर के थ्रू आपने रिटर्न वगैरह फाइल किया तो ऐसे केस में ध्यान रखना बच्चों, जीएसटी प्रैक्टिशनर लायबल नहीं है। ये माना जाएगा रिटर्न तो एसएससी ने सबमिट किया है, लायबिलिटी एसएससी की रहेगी। पर हाँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर को बोल दिया यू शुड कंप्लाई विथ ड्यू डिलीजेंस, अगर आपने मामला गड़बड़ किया तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन भी हम कैंसिल कर सकते हैं, आप पे पेनल्टी भी लगा सकते हैं बच्चों। ओके सर, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, इन्फॉर्मेशन रिटर्न। सर सेक्शन 150 सुनना बच्चों ध्यान से, कुछ खास बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन रिटर्न सर सीबीएसई डिपार्टमेंट को पावर दिया कि वो किसी भी पर्सन से या किसी भी अदर डिपार्टमेंट से किसी भी एसएससी के रिगार्डिंग या कोई भी इन्फॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से मांग सकता है। सर जैसे सर जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूरा टीडीएस का डेटा मंगा सकता है और टीडीएस का डेटा मंगा के क्या कर लेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लेगा किस का कमीशन 20 लाख क्रॉस हो रहा है और उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, सबको एक साथ डेटा को एक साथ वो क्या कर देगा सर, कैलकुलेशन करके देख लेगा कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कितने लोगों ने नहीं कराया और इस तरह से वो टैक्स चोरी पकड़ सकता है या कोई भी उसको एक्शन लेना ले सकते हैं बच्चा। ओके ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो सीबीएसई डिपार्टमेंट को पावर दे दिया कि वो किसी भी अदर डिपार्टमेंट से या किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जैसे एक्सेल शीट मांग ली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वो मांग सकते हैं और उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब उसने इन्फॉर्मेशन दी पर वो डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन थी तो वो इन्फॉर्मेशन वापस से सीबीएसई डिपार्टमेंट को रिटर्न करेगा और बोलेगा डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके नेक्स्ट 30 डेज में रिटर्न आपका इन्फॉर्मेशन सबमिट करिए, और अगर उस 30 दिन में उसने इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं किया तो उसको एक फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा कि भाई हमको इन्फॉर्मेशन दे दो, और सर या तो उसने इन्फॉर्मेशन दी नहीं या 30 डेज में रेक्टिफाई नहीं करी तो एक फाइनल नोटिस जाएगा कि नेक्स्ट 90 डेज में हमको इन्फॉर्मेशन दे देना, क्लियर। अगर नहीं दिया, देखो डिफेक्ट अगर उसने रेक्टिफाई 30 दिन में नहीं किया तो मान लेंगे उसने इन्फॉर्मेशन दी नहीं बेटा, अब इन्फॉर्मेशन दी नहीं या ओरिजिनली दी थी उसको रेक्टिफाई नहीं किया, क्लियर, तो मान लिया उसने इन्फॉर्मेशन दी नहीं, फिर फाइनली एक नोटिस इशू होगा कि 90 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन दे देना। अब उस 90 दिन में भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो सीबीएसई डिपार्टमेंट को पावर है कि सेक्शन 123 के थ्रू वो उस अदर डिपार्टमेंट पे पेनल्टी लगा सकता है, फाइन लगा सकता है, कितना ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000, क्लियर। ये पेनल्टी लग जाएगा उस अदर डिपार्टमेंट पे या अदर पर्सन पे अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी बेटा, क्लियर। देन सेक्शन 151 पावर टू कलेक्ट स्टेटिस्टिक्स, सर कमिश्नर को पावर दिया कि वो कोई भी डेटा इवेल्युएशन करने के लिए या कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए या सर एनालिसिस करने के लिए सर डेटा का सर स्टेट्स मंगा सकता है, कैलकुलेशन मंगा सकता है और उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से रेस्पेक्टिव पर्सन को इन्फॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स देनी पड़ेगी, और अगर नहीं दी तो सर ऐसे केस में फाइन है कितना ₹10,000 वन टाइम फाइन, और अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो ऐसे केस में अगेन ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹25,000 इज द पेनल्टी का अमाउंट, फाइन का अमाउंट इन केस अगर आपने सर स्टेटिस्टिक्स नहीं दी टाइमली तो बेटा। ओके देन आता है क्या लास्ट पॉइंट, सेक्शन 152 बार टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। सर सिंस जीएसटी के रिटर्न जो आप सबमिट कर रहे हो, जीएसटी R1 सबमिट कर रहे हो, सर जो भी इन्फॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट सबमिट करो वो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज कर दी डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर ने अपने कॉम्पिटिटर के साथ, बिजनेस की बैंड बजेगी बेटा आपने, इसलिए ये सेक्शन डाल के बोल दिया क्या, कोई भी ऑफिसर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी जो ये हमने इन्फॉर्मेशन रिटर्न के जो सेक्शन पढ़ा या ये जो स्टेटिस्टिक्स हमने मंगाई है डिपार्टमेंट जो मंगाई है एसएससी से या किसी भी पर्सन से, ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्लियर, अनलेस इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, एक्ट की वजह से रिक्वायर्ड तो बात अलग होगी, पर अगर उसने अपने किसी भी ऑफिसर ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए विदाउट द पावर ऑफ विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ अगर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी तो सेक्शन 133 का पावर है डिपार्टमेंट पास कि उस ऑफिसर पर पेनल्टी लग जाएगी, और पेनल्टी कितना होगा पता है, ₹25,000 का फाइन है बेटा उस पर, कितना अप टू ₹25,000 CGST का, और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं, 6 महीने तक की जेल या एंड 25,000 का फाइन दोनों भी हो सकता है बेटा। पर हाँ, कमिश्नर का
सेंक्शन रिक्वायर्ड होगा सर अगर किसी भी एसएससी को गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसिक्यूशन करना होता तो बेटा, क्लियर। इसी के साथ एंड सर एक और बात है बेटा, इसमें अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट का प्रायर सेंक्शन चाहिए किसी भी ऑफिसर को जेल भेजने के लिए, और गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है कोई और पर्सन है तो कमिश्नर का प्रायर परमिशन चाहिए किसी भी पर्सन को जेल भेजने के लिए। इसी के साथ पूरा चैप्टर नंबर 13 भारत माता की जय, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, शायद ये प्रोसीजर चैप्टर भी इन लेक्चर्स की वजह से आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हो और आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स टाइम में। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, लव यू, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।